हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। सबसे पहले मैं लेमन लैंग्वेज में बता दूं, बेसिकली ये क्यों बनाया था। पहले जब बिज़नेस हुआ करते थे तो बिज़नेस में जो भी परचेज हिस्ट्री होती है, ऑर्डर हिस्ट्री होती है, इन चीज़ों को इधर से उधर देने में, रिसिप्ट डॉक्यूमेंटेशन करने में अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता होगा। तो इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए ईडीआई बनाया, जो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है परचेज हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक जनरेट करता है और एक दूसरे कंपनी को भेज देता है रिकॉर्ड्स के लिए। सो दिस इज़ होलसम वर्क ऑफ ईडीआई। सो लेट्स स्टडी ईडीआई। ईडीआई इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू गेट मोर डन, स्पीड अप लॉजिस्टिक टाइम लाइन्स एंड एलिमिनेट मैनुअल एरर्स बाई ऑटोमेटिंग बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। जो बीच का कम्युनिकेशन है उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया। EDI is electronic interchange of business information using a standardized format, a process which allow one company to send information to another company electronically rather than with papers. Electronic way में हमने सारी चीज़ें mail वेल कर दी without using papers. Business entities conducting business electronically are called trading partners. जो लोग business online way में कर रहे हैं they are trading partners. Many business document can be exchanged but two most common are purchase order and invoices. ये मेन है, किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए वी नीड परचेज ऑर्डर्स एंड इनवॉइस, और यही इसका मेन वर्क था। द रियल पावर ऑफ ईडीआई इज दैट इट स्टैंडर्डाइज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट विच मेक्स पॉसिबल अ पेपरलेस एक्सचेंज। एक पेपरलेस एक्सचेंज बना देता है, जैसे बायर जनरेट्स परचेज ऑर्डर, फैक्सेस और मेल सेट, सप्लाइज एंटर्स ऑर्डर इनटू इंटरनल सिस्टम एंड प्रिंट्स एंड इनवॉइस, देन फैक्स, देन बायर एंटर इनवॉइस। ये प्रोसेस को हमने ऑटोमेटिक कर दिया कि अपने आप और परचेज ऑर्डर जनरेट होगा, वो चीज़ यहाँ आएगी, इंटरनल सिस्टम अपडेट होगी और उसको एक मेल जाएगा इनवॉइस का। ईडीआई प्रोसेस लुक्स लाइक दिस। बायर है, ये सप्लायर है, इसने परचेज ऑर्डर दिया, इसने इनवॉइस दिया। इन स्टेप्स को मिनिमाइज करें, डायरेक्ट ये चीज़ हमें विजिबल होती है, ये चीज़ अंदर से होती रहती है। बेनिफिट्स ऑफ ईडीआई क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग, लोअर कॉस्ट, मोर एक्यूरेसी, बेटर रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। एक तो कॉस्ट कम हो गई, लॉजिस्टिक्स का बच गया, जाना आना, पेपर प्रिंट करना, सारी चीज़ें बच गई। एक्यूरेसी है, एरर के चांसेस कम है, लो कॉस्ट हो गई। ईडीआई इवॉल्व कैसे होता है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है सबसे पहले, ईडीआई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होता है एंड देन कनेक्ट एंड ट्रांसमिट। पहले चीज़ों को, पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, देन उसको ट्रांसलेट किया जाता है कि उनके उसके यूज़ केस में कैसा होगा एंड देन ट्रांसमिट एंड कनेक्ट। ठीक है, सेंडिंग कंपनी, रिसीविंग कंपनी, ईडीआई नेटवर्क। ईडीआई नेटवर्क को इसने भेजा, उसने फिर यहाँ भेजा और पॉइंट ये लिंक यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है। इसी के साथ साथ आए प्लगइन्स। अ प्लगइन इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऐड सम फंक्शनैलिटी टू साइट। किसी भी साइट को फंक्शनैलिटी देने के लिए प्लगइन्स बनाए गए जो ईडीआई की चीज़ों को थोड़ा स्मूथ कर दें, जो लोडिंग है चीज़ों की। मान लीजिए कोई इमेज लोड हो रही, कोई वीडियो लोड हो रही, इन चीज़ों को स्मूथ करने के लिए प्लगइन्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। और व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट्स प्लगइन, इट सपोर्ट्स कस्टमाइजेशन। एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू वॉच अ वीडियो ऑन अ वेबसाइट, यू मे नीड प्लगइन टू प्ले इट बिकॉज योर ब्राउजर डजंट हैव टूल्स इट नीड्स। अगर ब्राउजर में ही हम पहले ही प्लगइन दे देंगे तो ब्राउजर बहुत स्लो लोड होगा, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने प्लगइन्स रखे जो एक्सटर्नल है, हम उन्हें अपने यूज केस के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एडोब फ्लैश प्लेयर, जावा, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट, ये चार सारी चीज़ें प्लगइन्स हैं। देन प्लगइन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्री प्लगइन, पेड प्लगइन एंड कस्टम प्लगइन। फ्री प्लगइन जो सबके लिए यूज़ हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं। पेड यानी जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी में सेव्ड हैं लेकिन दे आर पेड, जस्ट पे एंड यूज देम। देन कस्टम जो स्पेसिफिक बनाते हैं। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लगइन। ठीक है, अब प्लगइन के एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्प टू अकम्प्लिश डिफरेंट गोल्स, अलग अलग टास्क को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन, जस्ट हम प्लगइन इंस्टॉल करें, यूज़ करें और फिर हटा दें। हेल्प इन मेजरिंग एनालिटिक्स, कोई एनालिटिक्स मेजर करना है। इंक्लूड सोशल मीडिया ऑन साइट, सोशल मीडिया का भी प्लगइन होता है। हेल्प टू बिल्ड आउट योर ब्रांड, अपना ब्रांड आप इजीली बना सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? मेक वेबसाइट वल्नरेबल टू हैकिंग। एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, इट मे हैपन उसके साथ कोई वायरस आए, दे मे स्लो डाउन वेबसाइट, वेबसाइट स्लो कर सकते हैं। टेक टाइम टू अपडेट और इंस्टॉलेशन टेक्स टाइम। देन कम्स इंटरनेट कॉमर्स यानी ई कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स इज यूज ऑफ इंटरनेट फॉर ऑल फेजेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्लीटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस हम रोज करते हैं, शायद फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हो, अमेजोन से ऑर्डर करते हो, स्नैपडील से ऑर्डर करते हो, ये सब
ई-कॉमर्स है, इंटरनेट कॉमर्स। इट हैज़ इंक्रीज बिजनेस टेनफोल्ड ओवर फ्यू ईयर्स। मेन फोकस इज़ ऑन कैरिंग आउट द फाइनल ट्रांजेक्शन फेजेस, ऑर्डरिंग एंड पेमेंट। आप यहाँ से इजिली ऑर्डर करो, सामान देखो, ऑर्डर करो, पे करो और रिसीव करो, दैट्स इट। इंटरनेट कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड्स फुल सेक्स ऑफ मार्केट्स, मार्केटिंग साइकिल, फुल सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल, आइडेंटिफाइंग न्यू मार्केट्स, डेवलपिंग ऑन गोइंग कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑन गोइंग कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। गोल्स क्या हैं? एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, जाओ वहाँ सामान देखो, परखो, घंटे भर बैठो, देख फिर लो, वो कम हो गया, घर बैठ के देखो, लो लो ले लो। लो पेमेंट साइकिल टाइम, लो प्रोडक्ट साइकिल टाइम, आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक बार में देख सकते हैं। फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स, आपको कोई प्रॉब्लम है, ईजी रिस्पॉन्स आएगा। इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी, सारी कंपनीज अपनी सर्विसेज इंक्रीज कर रखी हैं, इम्प्रूव कर रखी हैं। फीचर्स क्या हैं? पेमेंट, सर्विसेबिलिटी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फुलफिलमेंट, सपोर्ट, सिक्योर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पेमेंट वगैरह ईजी है, सर्विस बहुत आसानी से मिल रही है, एडवर्टाइज करो, सेल करो, फुलफिलमेंट होता है। बेनिफिट्स क्या हैं? डिक्रीज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरिंग, रिड्यूस टाइम, इम्प्रूव्ड इमेज और इम्प्रूव्ड कस्टमर, ये बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स टू कस्टमर को क्या है? डू ट्रांजेक्शन, दे कैन डू 24 आवर ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड मोर चॉइसेस, क्विक डिलीवरी। बेनिफिट टू सोसाइटी, इनका टाइम बचेगा ट्रैवलिंग में, इनेबल पीपल इन रूरल एरियाज टू इन्जॉय प्रोडक्ट और फैसिलिटेट डिलीवरी। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी थोड़ी कम हुई है, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन परचेजिंग सिक्योरिटी, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, बट कंपनीज इतना सिक्योर करती जा रही हैं कि वो चांसेस एकदम मिनिमाइज हो चुके हैं। तो दिस इज इंटरनेट कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।